ये कहानी है हाजी नेमत अली बारा की, जो खुद तो 5 मरले के छोटे से मकान में रहते हैं, लेकिन मेन मुल्तान रोड पर वाकया 3 केनाल की कमर्शियल प्रॉपर्टी 35 साल से रिहायश के लिए मजदूरों को दे रखी है, और वो भी फी सबीलिल्लाह। शाम 5 बजे मेहनत मजदूरी करने के बाद जब ये मजदूर अपनी इस पनाहगाह में पहुंचते हैं, तो हाजी नेमत अली बारा खाना तैयार करके उनका इंतजार कर रहे होते हैं। जब लंगर खुलता है तो मोहल्ले के बच्चे भी अपने अपने बर्तन उठाकर चले आते हैं। काफी अरसे से रहते हैं, जो भी किसी को जगह नहीं मिलती रहने की, मजदूर आदमी दिन को मजदूरी करता, रात को सोने की जगह नहीं होती, वो इधर ही ठहर जाता है। अगर ये जगह ना होती तो आप कहाँ जाते? ये तो अल्लाह ताला की और हाजी साहब की, हाजी साहब फरिश्ता है मेरे लिए खास तौर पर। अच्छा अंकल, सबसे पहले तो ये बताएं कि आप खुद 5 मरले के घर पे रहते हैं, तो आपने मजदूरों को 3 केनाल की प्रॉपर्टी दे रखी है, ऐसा क्यों है? ऐसा ये भी कि इनका भी हिसाब होना है, जमीन का हिसाब होना है, कि अगर 5 मरले पे 3 मंजिला घर बनाया, 5 मरले में मिसाल है, तो उनका ये वे कि साथों अल्लाह 5 मरलों का हिसाब लाएगा ना, 500 का तो नहीं लवेगा। क्यों? कि अगर तुहाडा गुजारा 5 मरलों से अगर 10, 20, 40, 100 मरला बढ़ोगे तो उनका तुहानू हिसाब देना पैना अल्लाह नू, कि तुहाडा इन्दे च गुजारा हुंदा सी, तुसा लोगों का हक मारना। सन 82 शुरू किया, सन 82 दे विच साडी जमीन विकी तफाक टाउन अहमदव सिंह स्कीम च, तो वह सानू पैसे आ गए बहुत ज़्यादा, तो साडे वालद जिहड़े उन्होंने 20 तों उत्ते गिणदा नहीं सी पता, 21-22 भी होंदे ने, बोल मिलना 100-100, 200-200 मन कणक का, तो एक 20 टोपे मिलने ने, एक तीला रख लेना। तो असी भी उदो बच्चे होंगे सू अगे 30-40 साल, तो उन्हें आख्या ये जमीन कि दी है, असी आख्या अल्लाह दी, उन्हें फिर अल्लाह का बिचो हिस्सा कट दे, असी दस्या कि अब्बा जी कि हिस्सा कटीए, उन्हें जे तो अल्लाह समझ दे जे मालिक, तो अद्धे पैसे अल्लाह के नाँ के कर दौ, अद्धे पैसे का जो मर्जी ले लो। असी फिर लिखाई पढ़ाई के अपने घर च सन 82 के मिसाल अद्धी रकम 30-35 लाख अपने अल्लाह के नाँ की कर दी, जिदे विचों ए 3 कनाल जमीन ली मुसाफरखाने वास्ते, और 4 मस्जिदा जिदा दे हाजी साहब का नाँ है, 2 अंजराल, 1 खाड़क, 1 जमीन पर, 4 मस्जिदा और 1 मुसाफरखाना अपनी जमीन वेच के अद्धे अल्लाह के नाँ के करके उन्होंने बने ने, मस्जिदा तो उन्होंने संभाल लिया, तो इतने साड़ी ड्यूटी है। तो ये प्रॉपर्टी कितने की है? ये प्रॉपर्टी जी इस टाइम इतने 35-40 लाख रुपया मरले का है, तो 60 मरले वे करोड़ों की बनती है मिसाल है। तो ये नहीं हो सकता कि आप इसको अपने इस्तेमाल में ले आए और मजदूरों को किसी सस्ती जगह पे ठहरा दे? नहीं, अल्लाह जड़ा सोना है ना, वो सस्ती जगह नु पसंद नहीं करता, मिसाल है अल्लाह वास्ते अगर करना है तो सही करो, मिसाल है कि यही प्राप्ति अल्लाह को फपदी है, दूरी सस्ती जी अल्लाह वास्ते नहीं करनी चाहिए, रह गया। सुने कि आपने कुछ सफाई वाला नहीं रखा, तो सफाई कौन करता है? सफाई मैं खुद करना, क्यों कि अगे हर्फ लिखा ना लई होगी तस्वीर कि मिन जानब अल्लाह के नौकर, मैं जो अल्लाह का नौकर हाँ, तो अल्लाह के कुत्ते दे भी नौकर, खोते दे भी नौकर, बंदे दे भी नौकर, क्योंकि अल्लाह के नौकर जो है, तो अगर मेरे बच्चे भी दूसरे भी आते ने 8 साल मेरी उत्ते वाशरूम ने, मैं अपने हत्थों ना रोजाना उन्होंने साफ करना, मिसाल है जोड़ा उत्थे मैं सुकून मिलता वो किस जगह पर नहीं मिलता, कि जो मजदूर चले जाते हैं तो आप खुद सफाई वाशरूमों की मैं करना, गलिया की, कमर की, उन्होंने किसी को इजाजत नहीं कि मिसाल मेरी सफाई करे, क्यों कि मैं नौकर हाँ अल्लाह का, तो अल्लाह की मखलूक का, अगर मैं अगे 1-2 आदमी सफाई वाले रख लव तो फिर मैं नौकर नहीं रहना, फिर तो मैं मालकों से आ गया ना, फिर नौकर तो ना रहा अल्लाह, तो यही वजह है कि अल्लाह के फजल ना तंदुरुस्ती अल्लाह ने दिती है, तो ये चीज़ है कि असी अपनी जिंदगी बड़ा बड़ा कुछ वेख्या, बड़े बड़े शहनशाह भलवान, कि चढ़ते सूरज ढलते वेखे
बुझे दीवे बलदे वेखे, जिन्हों का नहीं जागते कोई वह भी पुत्र पलदे वेखे। के ते जाग बिना इलम पढ़िया पर अदब नहीं सीखिया, की लैना इलम नू पढ़ के, ते जाग बिना दुध जमदा नहीं बुलिया भावें लाल होवे कड़ कड़ के। इलम पढ़िया शराफ ना होवन जेड़े होवन असल कमीने, ते पित्तल कदी भी सोना नहीं बनता, भावें जड़िए लाल नगीने ते शूम कदी भी सखी नहीं होंदा, भावें होवन लख खजीने ते अमर बिना बुलिया जन्नत नहीं मिलनी, भावें मरिए विच मदीने। पढ़ पढ़ आलम फाजल होयो, कदी अपने आप नू पढ़िया ही नहीं, भज भज वड़ना मंदिर मसीतां, कदी मन अपने विच वड़िया ही नहीं, ऐवें रोज शैतान नाल लड़ना, कदी नफ्स अपने नाल लड़िया ही नहीं, ते बुल्ले शाह समानी उड़दियां फड़ना, जिहड़ा घर बैठा इहनू फड़िया ही नहीं। रब रब करदिआं बुढ़े हो गए मुला पंडित सारे, रब रब करदिआं बुढ़े हो गए मुला पंडित सारे, ते रब दा खोज खुरा नहीं लभा सजदे कर कर हारे, रब दा तेरे अंदर ही रहिंदा विच करान इशारे, ते बुल्ले शाह रब उहनू मिलदा जिहड़ा नफ्स अपने नू मारे।